ये वीडियो क्लास 12th के सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास भी मैथ सब्जेक्ट है। बहुत सारी दिक्कतें चल रही थी कि बोर्ड कैंसिल होगा नहीं होगा। हम लोगों ने भी आप लोगों को सपोर्ट हर तरीके से किया, जैसे हम लोग सपोर्ट कर सकते थे वैसे किया। अब बारी आई है, जिस तरीके से हालात लग रहे हैं, हम लोगों को लग रहा है जैसे कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए। अगर एग्ज़ाम 1% भी होते तो हम लोग क्या करेंगे? इसके चलते हमारी टीम ने डिसाइड किया कि बच्चों के लिए क्या किया जा सकता है, और हम लोग लेकर के आए आप सब लोगों के लिए एक फ्री बैच। जी हाँ, फतेह बैच। फतेह बैच में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं? फतेह बैच में आप लोगों को PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलने वाले हैं पिछले 10 सालों के, टॉपिक वाइज, मार्क वाइज, चैप्टर वाइज वीडियोस आप लोगों को मिलेंगी। क्या क्या मिलने वाला है? अनलिमिटेड वीडियो एक्सेस मिलेंगी, मतलब कि जिस तरीके से अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, हर एक वीडियो सेम क्वालिटी पर है, कोई भी वीडियो में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, सारी की सारी डिजिटल बोर्ड पर रिकॉर्डेड है, बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। PDF आपको मिलेंगी, यानी कि चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज मैंने बता दिया है, 150 से भी ज़्यादा वीडियोस हैं। इसी के साथ क्लास नोट्स आप लोगों को मिलेंगे इसके लिए, मतलब जो भी क्लास में पढ़ाया गया होगा, जो भी एक एक वीडियो की PDF आपको अलग अलग से मिलेगी। इसी के साथ इस साल के लिए जो नए सैंपल पेपर आए थे, एक सैंपल पेपर का पूरा वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा जो CBSE की तरफ से आया है, और 5 सैंपल पेपर हमारी तरफ से फ्री और न्यू पैटर्न पर ही हैं। सो मुझे नहीं लगता कि पेपर के लिए अगर कोई एक सरप्राइज होगा तो इससे बेहतरीन कोई सरप्राइज हो सकता है? कोई भी नहीं हो सकता। तो अगर आप लोग चाहते हैं ये पूरा का पूरा पैकेज आप लोगों को अभी मिले, अभी के अभी, तो जितना जल्दी हो सके कैल्विन काइट्स ऐप को आप डाउनलोड करिए, गूगल प्ले स्टोर से जाइए, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से लिंक उठाइए, ऐप को डाउनलोड करिए, क्लास सिलेक्ट करिए क्लास 12th, और अपना कोर्स सिलेक्ट करिएगा क्लास 12th CBSE। ये सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को कुछ नहीं, बस इस नंबर पर, ये जो नंबर आप लोगों को शो किया जा रहा है, इस नंबर पर आप लोगों को कर देना है व्हाट्सअप, और हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी और आपको असाइन करेगी ये पूरा का पूरा वीडियो पैकेज। तो कैसा लगा, चलिए जरा अब वीडियो देखते हैं। ऐसा चैप्टर जिसमें से 1 marker क्वेश्चन आने ही आने हैं। हेलो बच्चा पार्टी, तो कैसे हैं आज आप? बात करने जा रहे हैं हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, ऐसा चैप्टर जिसमें से 1 marker क्वेश्चन आने ही आने हैं। हम बात कर रहे हैं 2021 की, यानी कि जहां पर पहले 20 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव्स मिलने वाले हैं, और वो किस मार्क्स के मिलने वाले हैं? सिर्फ 1 marks के। साथ ही साथ बच्चा पार्टी आपको 20 marks का वाइवा भी होने वाला है, और वाइवा में आप क्या करेंगे, आपको क्वेश्चंस फोड़ने होते हैं। क्या करने होते हैं? फोड़ने होते हैं। और फोड़ेंगे कब आप? जब आपको आता होगा। तो आज बच्चा पार्टी हम बात करेंगे इनवर्स की, और इनवर्स में एक एक क्वेश्चन को फोड़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले इनवर्स में आपको क्या पता होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए बच्चा पार्टी, सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए इस चैप्टर को करने के लिए, वो ये है कि साइन इनवर्स क्या लिखा हो बेटा। साइन इनवर्स लिखा हो कहीं पर, क्या लिखा हो? साइन माइनस ऑफ इनवर्स, या लिखा हो टेन इनवर्स किसके साथ? नेगेटिव साइन के साथ। और क्या लिखा हो यहां पर? लिखा हो आपका कॉसेक ऑफ माइनस इनवर्स। अगर ऐसा कुछ लिखा हो तो आपको चिंता की कोई बात नहीं है। सर चिंता की बात क्यों नहीं है? मैंने कहा इसलिए चिंता की बात नहीं है, इनका माइनस साइन बाहर की तरफ आ जाता है, हम क्या करते हैं उसको उछाल के बाहर ले आते हैं। कहां ले आते हैं? बाहर ले आते हैं। तो सर मुसीबत कहां पर आती है, यानी प्रॉब्लम वाली सीन कहां पर आता है? मैंने बताता हूं बेटा, इसके अलावा जो कुछ भी बचा, इसके अलावा जो कुछ भी बचा, वहां पर सब जगह क्या आती है? मुसीबत आ जाती है। सर वो क्या बचा? बच्चा पार्टी आप समझदार हैं, इसके अलावा जो बचा, कॉस बचा, कॉट बचा और सेक बचा। मैं लिख के दिखा देता हूं। तो सर उस केस में क्या होता है? मैंने कहा जिस दिन बच्चा पार्टी कॉस इनवर्स माइनस ऑफ एक्स दिखाई देगा, उस दिन आप इसे लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। क्या क्लियर है बच्चा? चलिए अगले की बात करते हैं। अगर कॉट इनवर्स माइनस ऑफ एक्स दिखाई दे तो आप क्या लिखेंगे? पाई माइनस, यानी कि क्या? कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। और लास्ट नॉट बट नॉट लीस्ट, कौन सा? वही वाला, क्या? सेक इनवर्स माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू पाई माइनस सेक ऑफ इनवर्स एक्स। तो आपको बच्चा याद क्या रखना है? आपको सिर्फ याद ये रखना है। क्या रखना है? याद ये। इसको तो छोड़ दीजिए। कैसे छोड़ेंगे आप इसको? बस आप ये याद रख लीजिए कि साइन टेन कोसेक में क्या होता है? माइनस साइन बाहर आ जाता है। इसका मतलब बाकी जितने भी रेस्ट बचे हुए सब में पाई माइनस लिखना पड़ेगा। तो ये हो गई पहली बात। दूसरी बात क्या करते हैं?
इस चैप्टर में जो कि आपको पता होनी चाहिए, आपको इन सब की प्रिंसिपल वैल्यूज पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? प्रिंसिपल वैल्यू। तो जिस दिन मैं साइन इनवर्स की बात कर रहा हूं, मैं यहीं पर लिख रहा हूं, देखिए मैं दूसरी जगह नहीं लिखूंगा, यहीं पर आपको क्लियर करा देता हूं। जिस दिन हम साइन इनवर्स की बात कर रहे हैं, किसकी? साइन इनवर्स की बात जिस दिन हम कर रहे हैं, उस दिन यानी कि इस जगह पर जो प्रिंसिपल वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी? वो होंगी आपकी माइनस पाई बाई टू से लेकर प्लस पाई बाई टू, यानी कि जो आंसर आएगा वो हमेशा इन दोनों के बीच में होना चाहिए, यानी कि इस खिड़की के बीच में रहना चाहिए। इस वाले केस में क्या होगा? मैंने कहा सेम पार्टी उठा के लिख दो, बस ब्रैकेट को क्या कर दो? ओपन कर दो। कई बार ये वाले ब्रैकेट जो है कुछ इस तरीके से लगा के दिखा दिया जाता है, और यहां पर लिखा होगा माइनस पाई बाई टू कॉमा प्लस पाई बाई टू। तो समझने कि जब बात सिर्फ इतनी है कि सिर्फ इस तरीके से लिखा जाता है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ता। सर इसकी क्या बात करें? मैंने कहा इसका भी बड़ा आसान होता है। क्या होता है सर आसान? मैंने कहा यही वाला होता है। क्या होता है? माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू होता है, बस इसमें से एक खिड़की माइनस कर दी जाती है, यानी क्या माइनस कर दिया जाता है? जीरो। तो सर ये तो हो गई बात इनकी। जिस दिन बात इनकी होगी उस दिन क्या होगा? मैंने कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं, सेम सेम दिखाई देते हैं। ये हो गया जीरो से पाई, इस वाली पार्टी में भी जीरो से पाई लिखो। क्या लिखो? जीरो से पाई। लेकिन खिड़की कैसे रखो? बाहर की तरफ ओपन रखो। कहां? बाहर की तरफ ओपन, यानी कि इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। और कई बार इसकी शक्ल कैसी दिखाई देती है? इसकी शक्ल इस तरीके से दिखाई देती है। कैसी? ऐसी सिंपल ब्रैकेट जिसको आप बोलते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट इसकी क्या कहानी होगी? तो लिखेंगे तो सर यही जीरो से पाई, बस क्या करेंगे यहां से माइनस कर देंगे, कौन? पाई बाई टू को माइनस कर देंगे इन कर्ली ब्रैकेट। तो बच्चा पार्टी क्लियर है? कर्ली ब्रैकेट क्यों लगाया जाता है? क्या ये बात क्लियर है? कर्ली ब्रैकेट लगाया जाता है जब पर्टिकुलर नंबर्स को बाहर किया जाता है, तब कर्ली ब्रैकेट लगाया जाता है। तो बच्चा पार्टी क्लियर है? बात करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की। सरकार ने क्या दिया? सरकार फॉरन 2014 में, यानी कि वैन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केम इन पावर, तब ये क्वेश्चन आया और उन्होंने क्या कहा कि भैया हमारे देश के लोग तो शांति में है नहीं, तो दूसरे लोग भी कैसे शांति में रहें? तो भैया क्वेश्चन क्या दिया? कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू और टू साइन इनवर्स वन बाई टू। क्या करें सर क्वेश्चन में? क्वेश्चन करने के लिए यूजली लोग क्या करते हैं? यू मानते हैं, बी मानते हैं, और उसकी ऐसी की तैसी करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल इसको लगा सकते हैं क्योंकि एक मार्क्स में आना है। क्या है भैया कहानी? कहानी कुछ इस तरीके से है, कॉस जो माइनस में लिखा हुआ है, किस में लिखा हुआ है? माइनस में। और अगर कॉस माइनस में लिखा हो तो आपको क्या करना है? आपको वही करना जो अभी बताया था। क्या? पाई माइनस। इसका मतलब एक्चुअल में ये क्या लिखा हुआ है? जिस दिन मैं इसका सॉल्यूशन करने जाऊंगा, इसका सॉल्यूशन, किसका? इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने जाऊंगा, तो इस दिन ये पार्टी लिखी हुई है पाई माइनस कॉस इनवर्स दैट इज ऑफ प्लस का वन बाई टू। क्या हो जाएगा यह? प्लस का वन बाई टू हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले बताया था प्लस टू साइन इनवर्स कितना है ये? वन बाई टू। मैं इसको लिख के रखता हूं और यहां पर ब्रैकेट में एक छोटा सा बता देता हूं कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो जिस दिन आपको कॉस ऑफ माइनस इनवर्स एक्स दिखाई देगा, उस दिन आप क्या करते हैं? पाई कॉस इनवर्स एक्स करते हैं। थोड़ी देर पहले ही आपको बताया। अगर जिन बच्चों को क्लियर नहीं है, वीडियो को थोड़ा सा बैक करो, थोड़ा सा बैक करो और वहां से देख लो क्या लिखा हुआ है। चलिए इसकी बात करते हैं। तो ये तो भैया पाई लिख दिया, कॉस इनवर्स वन बाई टू कहां पर होता है? तो सर कॉस का तो हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें साइन का मालूम है। साइन वन बाई टू जो पाई बाई सिक्स पर होता है, ये हमें मालूम है। तो बस थोड़ा सा उल्टा करना है, क्या कर दो? पाई बाई थ्री कर दो, बन गया काम। तो ये क्या हो गया आपका? पाई बाई थ्री। और ये तो अभी अभी मैंने बोला है कितना? पाई बाई सिक्स। तो इससे इसका अंतिम संस्कार होगा, कितना हो जाएगा? थ्री। तो सब मिला के शुद्ध हिंदी में अगर कहा जाए तो ये क्या बचा? पाई बाई थ्री बचा। ये क्या बचा? पाई बाई थ्री बचा। इससे इसका अंतिम संस्कार हो गया और आपका ये क्या आ गया? ये हुआ आपका आंसर। तो बच्चा पार्टी आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो बच्चा पार्टी बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या दिया भैया? वही दिया। क्या दिया? वही दिया। सी बोले तो क्या होता है? सी बोले तो वही होता है। और वही मतलब आप समझते हैं क्या? कंपार्टमेंट। तो भैया यहां से उठाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन बड़ा खूबसूरत तरीके से पेश किया गया। क्या पेश किया गया? टेन इनवर्स दैट इज ऑफ साइन माइनस पाई बाई टू। और बच्चा पार्टी आपको पता है कि साइन क्या? साइन माइनस पाई बाई टू। साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कहां जाता है? माइनस साइन बाहर आ जाता है। तो अगले ही स्टेप में आप क्या लिख लीजिए इसको? इसको लिख लीजिए टेन इनवर्स दैट इज माइनस ऑफ साइन ऑफ पाई बाई टू। और साइन पाई बाई टू तो आप आंख बंद करके भी लिख सकते हो। क्या होता है सर? तो सर इसका तो वही होता है क्या? वन होता है। क्या होता है? वन। लेकिन ये माइनस साइन बाहर पड़ा हुआ है, इसको ना भूलें। क्या? इसको ना भूलें। तो भैया टेन की वैल्यू किसमें बैठी है? माइनस में बैठी हुई है। आपको शुरू में ही बताया गया था कि साइन क्या? साइन टेन कॉसेक, अगर इनमें माइनस अंदर आ जाए तो वो माइनस साइन कहां कूद के बाहर आता है। तो ये वाला साइन कहां आएगा कूद के? ये वाला साइन क्या कहेगा? सर हमें कूद के बाहर निकालो, यहां कहीं ले आओ। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब हो गया टेन इनवर्स वन। और टेन इनवर्स वन तो मैं सपनों में भी लिख सकता हूं, कितना? पाई बाई
4। तो ये रहा आपका आंसर। तो आई होप बच्चा पार्टी का आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो बच्चा पार्टी बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। बड़ा ही बेहतरीन और गजब का क्वेश्चन है। कब पूछा गया? ऑल इंडिया किसमें? ऑल इंडिया 2014। और आप समझते हैं सी मतलब वही होता है और 2014 मतलब सिर्फ मोदी जी होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो भैया ये सुंदर सा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे? मैंने कहा चुटकियों में क्वेश्चन होने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें बड़ा लंबा चौड़ा चले। तो भैया क्या करें, कॉट पाई बाई टू, ये वाली पार्टी तो लिखी हुई है, इसको एज इट इज लिख देते हैं। ये टू लिखा हुआ है, हमें सिर्फ फिगर आउट करना है कॉट इनवर्स रूट थ्री कहां पर होता है। हमें क्या बताना है, कॉट इनवर्स रूट थ्री कहां होता है। तो बच्चा पार्टी किसी को पता है तो बताओ। तो बड़ा सोचने समझने वाली बात है कि कितना है, पाई बाई सिक्स होता है। कितना? पाई बाई सिक्स। तो मैंने यहां खूबसूरत से पाई बाई सिक्स लिखा, टू से सिक्स का अंतिम संस्कार किया। तो अगले ही स्टेप में ये पार्टी मुझे कुछ ऐसी दिखाई देने लगेगी, क्या? पाई बाई टू माइनस पाई बाई थ्री। और छोटी क्लासों में छोटे छोटे बच्चों को एलसीएम लेना सिखाया जाता है। हम एलसीएम नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। लेकिन वो काम जो है लगभग वैसा ही करता है। क्या करता है? काम लगभग वैसा ही करता है। तो अगर ऐसा हो गया तो अगले ही क्षण ये वाली पार्टी क्या दिखेगी, क्या? पाई बाई सिक्स। कितना दिखाई देगा? पाई बाई सिक्स। और पाई बाई सिक्स देखते ही आपने आंख बंद करके क्या लिख दिया, ये कहां से लिख दिया, क्योंकि आपने इसको भी तो ऐसे लिखा था। तो बच्चा पार्टी समझ आया कैसे हमने इस क्वेश्चन को डील किया? बस आपको ऐसे ही क्वेश्चंस डील करने। क्वेश्चन समझ आया तो वीडियो को लाइक करो, समझ नहीं आया तो कमेंट करो ताकि हम आपकी हेल्प कर पाए। बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। तो ये रहा बच्चा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन सरकार ने कब पूछा? सरकार ने 2013 में पूछ लिया। 2013 बोले तो ये क्वेश्चन, क्या ये क्वेश्चन? क्वेश्चन में क्या कहा उन्होंने, बड़ा ही मासूमियत से एक चीज पूछी उन्होंने कि भैया बताओ tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1 बाई 2 और cos sec cot, इनमें कभी भी नेगेटिव साइन दिखाई दे तो बच्चा क्या काम करना है, वही काम करना है। क्या काम करना है? वही। तो भैया क्या काम करना है एक बार बता देते हैं। तो ये हो गया आपका tan इनवर्स 1, जैसे इसमें माइनस दिखाई दे आप पाई माइनस करके लिख देंगे इसको। क्या कर देंगे? पाई माइनस, और ये माइनस साइन का हो जाएगा अंतिम संस्कार। सर ऐसा आपने क्यों किया, इसके साथ जुर्म क्यों किया? मैंने कहा देखो जिंदगी में कभी भी आपको ऐसा कुछ दिखाई देता है तो ऐसे के लिए आप ऐसा कुछ लिखते हो। कैसा कुछ लिखते हो? ऐसा कुछ लिखते हो। बस इसी से मैंने इसको ऐसा किया। सर अब क्या करेंगे? मैंने देखो कुछ मालूम हो या नहीं मालूम, मुझे एक बात मालूम है, tan इनवर्स 1 जो है सिर्फ और सिर्फ पाई बाई 4 पर होता है। बिल्कुल सही सर, इतना तो हमें भी आता है। मैंने गुड, अगर इतना आता है तो पाई माइनस कॉज इनवर्स 1/2 कहां पर होता है? तो सर हमें कॉज का तो नहीं मालूम, लेकिन हमें साइन का मालूम है। साइन जो 1/2 पाई बाई 6 पर होता है, तो बस उसका उल्टा कर ले बच्चे। कहां पर होगा? पाई बाई 3 पर होगा। कहां पर होगा? पाई बाई 3 पर। तो सर आप क्या करें? मैंने कहा देख सबके झोल में मत कर, पढ़ इसके झोल में पड़ जा। इसको सॉल्व करेगा तो कितना आएगा? 2π/3 आएगा। और बस थोड़ा सा स्वाद अनुसार एलसीएम ले ले, क्या करेगा? 4 × 3 ये इधर जाएगा, तो ये हो गया 3π + 8π। सब में लगे कितना हो गया? सब में लगे हो गया 8 × 3 = 11π और ये आपका हो गया 12। तो बच्चा पढ़ ये रहा आपका आंसर। आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। बड़ा गजब का क्वेश्चन सरकार ने दिया। सरकार पूछना चाहती है आपसे, क्या पूछना चाहती है? ऑल इंडिया 2013 में क्या पूछना चाहती है सरकार? पूछ लेते हैं इससे एक बार इसको ठीक से लिख के। सरकार पूछना चाहती है कि 2 sin 2 cos inverse √3/2 अगर दिया हो तो क्या करोगे? tan इनवर्स 2 sin 2 cos inverse √3/2। देखो बच्चा कुछ पता हो नहीं पता हो, एक बात मुझे मालूम है, cos इनवर्स रूट थ्री बाई टू कहां पर होता है? कहां पर? आपको वही बताना, पाई बाई सिक्स पर होता है। कहां पर होता है? पाई बाई सिक्स पर। तो इसका मतलब जिस दिन मैं इसका सॉल्यूशन करने जाऊंगा तो क्या होगा? दैट इज ऑफ tan इनवर्स 2 sin, That is what? 2 cos inverse √3/2। एक बार मैंने इसको खूबसूरत तरीके से लिख दिया। अब क्या करूं? मैंने कहा बस मैं अब एक एक करके इसकी लंका लगाऊंगा। और लंका कैसे लगती है? वो ऐसे लगती है कि इस 2 को ऐसे ही रखा और इस वाली पार्टी की जगह पर आ गया पाई बाई 6, क्योंकि रूट 3/2 क्या होता है? पाई बाई 6 cos का। इससे थोड़ा सा इसका अंतिम संस्कार हुआ, क्या बचा? tan इनवर्स 2 sin of what? पाई बाई 3। और कुछ पता हो नहीं पता हो जिंदगी में, एक चीज पता होती है कि भैया ये क्या होता है। तो सर ये क्या होता है एक बार याद दिला दीजिए। मैंने कहा एक छोटी सी बात है, छोटी सी बात यह है कि ये tan इनवर्स बैठा हुआ, ये 2 बैठा हुआ, और साइन पाई बाई थ्री जो होता है वो रूट 3/2 होता है। कितना? रूट 3/2। 2 से 2 का अंतिम संस्कार हुआ, क्या बचा? tan इनवर्स, दैट इज वॉट? रूट 3।
रूट थ्री कहां पर होता है ये आपको फिगर आउट करना है। अगर आपको फिगर आउट नहीं करना आता तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, उससे देखिए। अगर मैं आपको कहूं कि कहीं साइन 60 लिखा हुआ है और अपॉन में कॉस 60 लिखा हुआ है तो कुछ पता हो नहीं पता हो, साइन 60 3/2 होता है और कॉस 60 जो है 1/2 होता है, 2 से 2 का अंतिम संस्कार हुआ। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं, ये क्या है, ये टेन 60 है, टेन 60 इक्वल टू कितना, रूट थ्री। इसका मतलब बच्चा बर्थडे तो समझ गया होगा कि ये क्या लिखा हुआ है। अरे सर ये तो गजब आ गया, 60 लिखा हुआ और 60 को क्या बोलते हैं, 5/3 बोलते हैं। मैंने बस यही तो करना था और क्या करना था, बस हो गया बात खत्म, चलें अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बच्चा पार्टी ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन बड़ा खूबसूरत तरीके से पेश किया गया। कब पेश किया गया, हमारे एक सर कहते हैं कि सर सी को वही लिखते हैं। हाँ मैं वही लिखता हूं, क्या सी बोले तो कंपार्टमेंट 2013। क्वेश्चन क्या कहा गया, अरे भैया ये तो बड़ा छोटा सा टुच्चा सा क्वेश्चन है, कॉस की फॉर्म में पड़ा हुआ, तो क्या करेंगे इसको सॉल्व कर देंगे, क्या कर देंगे सॉल्व। लेकिन सर सॉल्व करने से पहले एक चीज देख लीजिए, ये कॉस जो है ना माइनस के साथ पड़ा हुआ है और जब जब जिंदगी में माइनस के साथ पड़ा हुआ है तो उसके पहले ट्रीटमेंट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, ट्रीटमेंट यानी फर्स्ट एड देना पड़ता है। सर फर्स्ट एड कैसे दें, मैंने कहा देखो फर्स्ट एड देना तो मुझे भी नहीं आता लेकिन थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे सकता हूं। क्या इसको लिख दिया ऐसे, चलिए भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे माइनस मिला हुआ है और माइनस जब भी मिलता है क्या करते हो आप, इसको लिखते हो पाई कॉस इनवर्स दैट इज 1/ कितना 1/2। मैं इसको ठीक से लिख देता हूं, ये है आपका 1/2। तो भैया कुछ पता हो नहीं पता हो, मुझे एक बात मालूम है कि साइन की वैल्यू 1/2 π/6 पर होती है, इसका मतलब कॉस की वैल्यू π/3 पर होगी। कहां पर होगी, π/3 पर। तो ये है कॉस इनवर्स रूट 3/2 प्लस कितना पाई, ये वाली पार्टी कितनी होगी सर π/3 होनी है। मैंने कहा बिल्कुल सही, तो सर इसको भी क्यों लिखा है, इसका अंतिम संस्कार भी यहीं कर देते हैं। मैंने कहा ले भाई इतनी सी बात लिख कर देते हैं, इसको भी यहीं पे इसको मिटा देते हैं और यहां पे क्या लिख दें, यहां पर वही लिख दें जो आप चाहते हो, क्या अलग कलर से लिखते हैं, कॉस इनवर्स रूट 3/2 कहां पर होता है सर, ये वाली पार्टी तो π/6 पर होती है, कहां पर π/6 पर। तो थोड़ा सा सॉल्व करो स्वाद अनुसार, ये हो गया आपका 2π/3। और अब मुझसे ये मत कहना कि मैं इसकी कैलकुलेशन करके दिखाऊं, आपको क्या करना है खुद से इसकी कैलकुलेशन टिका देनी है। तो बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, देखते हैं इसमें क्या करना है हमें, पहले देख लेते हैं पूछा कहां पर गया। ये ऑल इंडिया 2013 कंपार्टमेंट बोले तो वही मैं पूछा गया, ऑल इंडिया बोले तो आप समझते हैं उसका मतलब क्या है, यानी कि हम ये नहीं चाहते कि हम शांति से ना, बल्कि हम ये भी चाहते हैं दूसरे भी अशांति में रहे। चलो देखो टेन इनवर्स रूट 3 लिखा हुआ है, 10 के केस में माइनस कहां आता है, बाहर की तरफ कूद के आ जाता है, तो सर माइनस कूद के बाहर लिख दीजिए। मैंने कहा ये रही पार्टी, बाकी का एज इट इज लिख दीजिए, कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। सर ये कहाँ होता है, मैंने कहा थोड़ी देर पहले ही तो बताया था, ये कहाँ पर होता है 60 पर होता है, कितना 60 पर होता है, नहीं पता तो पिछली वीडियो देख लीजिए वहां पर है, नहीं तो इसी वीडियो में मिल जाएगा। भैया 60 कितना होता है, सर हमारे यहाँ पर इसको π/3 लिखते हैं, मैंने तुम्हारे यहाँ पर क्या मेरे यहाँ पर भी π/3 ही लिखते हैं, तो ये क्या हो गया π/4 हो गया। बस अब क्या करना है, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करनी तो आपको आती है, अगर इतना सा कर दिया तो बस मजा आ गया और क्या चाहिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए बच्चा पार्टी बात करते हैं हम अपने बेहतरीन क्वेश्चन की। सरकार ने कब आपसे क्वेश्चन पूछा, 2012 और सी बोले तो वही, कहां पर वही में पूछा। क्या कहती है सरकार, सरकार ने बड़ा सुंदरता से यानी कि बड़े आसानी से पेपर में एक नंबर का क्वेश्चन रख दिया और क्वेश्चन रखते ही कहा कि इसका आंसर दो। क्या कहा, आंसर दो। मैंने कहा देखो चाहो तो इसका आंसर एक लाइन में दे सकते हो, चाहो तो इसका आंसर एक लाइन में दे सकते हो, देने वाला होना चाहिए। कैसे भैया, कॉज इनवर्स 1/2, कॉज इनवर्स 1/2 जो है सिर्फ और सिर्फ π/3 पर होता है, तो देखो एक लाइन में आंसर दूंगा इसका, करेक्ट। प्लस 2 × साइन इनवर्स 1/2 कहां पर होता है, π/6 पर होता है, कहां पर होता है π/6 पर। अब क्या हो गया, मैंने कहा 2 से इसका अंतिम संस्कार हुआ, π/3 तो कितना हो गया 2π/3, ये हो गया आपका आंसर। इतना सा तो काम करना था, आ गया बच्चा पार्टी समझ में, कोई भी दिक्कत है कमेंट कर दो सॉल्यूशन मिलेगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बच्चा पार्टी ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, कब पूछा गया, सरकार ने यानी दिल्ली ने 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया। अगर क्वेश्चन पूछा गया तो भैया इसमें दुखी होने वाली कोई बात नहीं, अच्छी सी शक्ल बनाओ थोड़ी सी टेढ़ी सी और क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर दो। कैसे करना है भैया क्वेश्चन स्टार्ट, मैंने कहा देखो उन्होंने कहा इवेल्युएट कर दो, तो इवेल्युएट करने जैसा कुछ है नहीं इसमें, ये आपका साइन पड़ा हुआ है पढ़ा रहने दीजिए, आपका π/3 पड़ा हुआ है, पता नहीं ये क्वेश्चन मुझे क्यों एनसीईआरटी जैसा लग रहा है, अगर एनसीईआरटी में है तो लाइक ठोक दो। चलिए ये क्या है 3, भैया साइन इसके अंदर अगर होता है यानी साइन के अंदर माइनस साइन होता है उसका क्या करते हो, उसको तो बाहर ले आते हो, तो खुद आके इसको ले आए बाहर, तो इसको क्या कर दिया माइनस माइनस। जब दो नेगेटिव पर्सन मिलते हैं तो क्या होता है, बोतल खुलती है, क्या होती है बोतल खुलती है, यानी पॉजिटिव हो जाते हैं दोनों मिलके। तो क्या हुआ भैया, एक नेगेटिव बाहर था एक नेगेटिव अंदर था, दोनों ने बोतल खोली
साइन कर दिया पॉजिटिव, यानी कि बहुत अच्छा माहौल बना दिया। अब क्या बचा, साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 की बात करूं, 1/2 शुद्ध हिंदी में पाई बाई सिक्स होता है। क्या होता है? पाई बाई सिक्स। क्या हो गया? पाई बाई सिक्स। ऐसा कुछ लिख दिया, यहां से थोड़ा सा इसका अंतिम संस्कार किया, तो ये हो गया साइन ऑफ पाई बाई थ्री प्लस पाई बाई टू। इसका स्वाद अनुसार एलसीएम ले लो। क्या ले लो? एलसीएम। तो ये भैया ये 6 हो गया, ये 2 पाई हो गया, ये 3 पाई हो गया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगले ही पार्टी में, यानी अगले ही पल में 3 और 2 5, यानी कितना हो गया? 5 पाई बाई 6 हो गया। कितना? 5 पाई बाई 6। और आपको मालूम है 5 पाई बाई 6 आप करने जाओगे तो आपकी लंका लग जाएगी। क्या लग जाएगी? लंका लग जाएगी। तो आप क्या लिखो इसको? इसको लिखो पाई माइनस पाई बाई सिक्स। क्या? पाई माइनस पाई बाई सिक्स। सर लंका क्यों लगेगी? मैंने कहा देख बच्चे, लंका इसलिए लगेगी, देख मैं तेरे को अलग कलर से दिखाता हूँ बच्चे, अलग कलर से लंका लगा के दिखाता हूँ। ये क्या है? पाई बाई सिक्स है। लेकिन मैंने कहीं पर पढ़ाया था कि साइन इनवर्स अगर एक्स लिखा हो तो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू सिर्फ लाई करती है माइनस पाई बाई टू से लेके प्लस पाई बाई टू। तो हिंदी में कहूँ तो माइनस 90 से लेके प्लस 90 में, करेक्ट। लेकिन जिस दिन पाई बाई सिक्स सॉल्व करेगा ये 90 के अंदर नहीं आएगा, यानी माइनस 90 से प्लस 90 के अंदर नहीं आएगा। इसका मतलब क्या करेगा? इसको ब्रेक करेगा। और अगर इसको ब्रेक करेगा तो क्या लिखेगा बेटा? सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। क्या? पाई माइनस पाई बाई सिक्स। सर आपने इसको 2π-π/6 क्यों नहीं लिखा? बेटा 2π-π/6 जिस दिन तू लिखने लग जाएगा उस दिन लौट के नहीं इसकी कैलकुलेशन होकर ये नहीं आएगा। मैंने देख यहाँ पर कैलकुलेशन करेगा यही आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा? कैलकुलेट कर ले बेटा। 6π-π कितना? 5π/6, करेक्ट। दूसरा रीजन और बताता हूँ, एक और रीजन देख। ये वाली फोटो देखी है, बचपन से देखते आ रहे हो, यहाँ 0 होता है, यहाँ पाई बाई 2 होता है, यहाँ पाई होता है, यहाँ पर क्या होता है? सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। इस वाले क्वाड्रेंट में कौन? पहले वाले में, यानी कि इसमें साइन और कोसेक। कौन? कोसेक। और यहाँ पर कौन? टेन और कॉट। और यहाँ पर कौन? कॉज और सेक। ये पार्टी पॉजिटिव होती है। तो मैं क्या कर रहा हूँ? पाई माइनस कर रहा हूँ। पाई माइनस करके कौन से क्वाड्रेंट में ला रहा हूँ? सेकंड क्वाड्रेंट में ला रहा हूँ। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है। इसका मतलब कोई संख्या और लघु संख्या यहाँ पर नहीं होगी। तो ये क्या हो गया? सर ये हो गया पाई बाई सिक्स। और बस इसका आंसर तो बच्चे तुझे बचपन से आता है, 7th क्लास में 8th क्लास में सिखाया जाता है। क्या बात करें? बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो बच्चा पार्टी, एक और टुच्चा सा क्वेश्चन दिया। क्या दिया? टुच्चा सा क्वेश्चन। कंपार्टमेंट में दिया होगा तो मतलब सीधी सी बात है एक नंबर का दिया होगा। कितने? एक नंबर का। इसके अलावा कुछ नहीं। अब इस टुच्चे से क्वेश्चन को क्या मैं सॉल्व करूं? हमें मालूम है, हमें क्या मालूम है? हमें कुछ मालूम हो नहीं मालूम, मुझे इतना मालूम है कि जिस दिन साइन इनवर्स माइनस थीटा लिख दिया जाता है उस दिन उस पार्टी को क्या कर देते हैं? साइन थीटा कर देते हैं इनवर्स का। लेकिन यहाँ पे खूबसूरत सा नेगेटिव का साइन लगा देते हैं। तो भैया ऐसे ही तो लिखा हुआ है, तो क्या करो सर? मैंने कहा सर इतना काम कर लो, इस पार्टी को ऐसे लिख लो। कैसे लिख लो? ऐसे लिख लो। और ये वाली पार्टी तो आपको मालूम है कितनी होती है, पाई बाई सिक्स। हो गई बात खत्म, बस इतना ही तो करना था। बात करें अगले क्वेश्चन की? करें बच्चा, चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन, फिर टुच्चा सा क्वेश्चन। अरे भाई कितने टुच्चे क्वेश्चन पूछोगे? इसका मतलब आप समझते हो माइनस दिया किसमें? साइन के अंदर माइनस दिया। तो बच्चा अब आप समझ गए होगे, साइन के अंदर जब जब माइनस दिया जाता है आप क्या करते हो उसके साथ? उसके साथ वही करते हो जो करना चाहिए। क्या? कुछ ऐसा। और ये वाली पार्टी तो मुझे मालूम है कहां पर होती है, पाई बाई थ्री पर होती है। कहां पर? पाई बाई थ्री पर। तो क्या सर ये आंसर सही है? मैंने कहा बिल्कुल सही है। कैसे चेक करेंगे सही है नहीं सही है? मैंने कहा देखो साइन के लिए मैंने एक अच्छी सी सुंदर सी बात कही थी, वो बात ये थी कि ये हमेशा जो है पाई बाई टू यानी माइनस पाई बाई टू से लेकर प्लस पाई बाई टू के बीच में लाई करता है। इसका मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ माइनस 90 से लेकर 90 के बीच में लाई करना चाहता है। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये वाली पूछो पार्टी से क्या है? तो सर ये पार्टी कह रही है कि मैं तो 60 डिग्री हूँ। मैंने कहा बिल्कुल सही, क्या 60 डिग्री इनके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर आ रहा है, आ रहा है। तो फिर आंसर है, फिर क्या सोचना समझना? हो गया बात खत्म। तो बच्चा पार्टी इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे, तो एक नंबर के सारे क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। बाकी क्वेश्चन देखने के लिए हमारे दूसरे वीडियोज देखो। और क्या करना आपको, एक बहुत अच्छा काम करना है, वीडियो को लाइक करनी है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी है ताकि और लोग भी इसका फायदा उठा पाए। और साथ में कमेंट भी करो, कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, किसी टाइप के क्वेश्चंस चाहिए तो जस्ट टेल अस, वी विल सॉल्व योर ईच एंड एवरी क्वेरी। तो बच्चा पार्टी फिलहाल के लिए क्या, बाय बाय।